नॉमिनेशन के लिए छुट्टी नहीं होने के बावजूद अपना काम धंधे को थोड़ा बाजू में करते हुए अपनी वक्त की कुर्बानी दी और इस अजीमुशान जुलूस को रैली को कामयाब किया। और मेरे अपने साथ नॉमिनेशन के वक्त
नासिक जिला जमीतुल उलमा के सदर मौलाना बारी साहब, जैनुल कारी साहब, सुन्नी जमीतुल उलमा के जिम्मेदार इकबाल बहुत साहब और मैं, ऐसे हम लोग चार पांच लोग, शकील जानी बेग साहब, हम लोग पांच लोग अंदर गए और हमने सुबह 11:15 पर मैंने पहला नॉमिनेशन कर दिया और उसके बाद मैं जुलूस के लिए वहां पर आपके पास आया। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, छोटी छोटी मीटिंगें कर रहे हैं, लेडीज मीटिंगें हम लोग कर रहे हैं, जलसे ले रहे हैं और अल्लाह का बहुत एहसान है कि हर प्रोग्राम हमारा कामयाब हो रहा है। और मालेगांव शहर की आवाम नहीं बल्कि हमारे कई माजूर भाई हम लोगों को मिले, जो दिमाग से माजूर है, कुछ हाथ से माजूर है, कुछ पैर से माजूर है, ऐसे लोगों की दुआएं हमारे अपने साथ हैं। हिमायत किसी तंजीम के नाम से नहीं दे रहे, लेकिन पर्सनली तौर पर सभी मसलक की तंजीमें से मेरी मुलाकात हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि तंजीम सियासत में हिस्सा नहीं लेती, लेकिन हम लोग आपके साथ हैं और आपको दोबारा मौका देने के और ये शहर को बचाने के लिए हम आप लोगों के साथ खड़े हैं। हम आपको वोट देंगे, वोट दिलाएंगे। शहर का छोटा मोटा व्यापार करने वाला, शहर की माँ बहने और वो स्कूलों के अंदर जो जेर तालीम है, छोटे छोटे बच्चे, तलबा व तालबात, वो टीचर्स, ऐसे लोग भी हमारे 5 साल के तालीमी काम को पसंद करते हुए हमारे साथ खड़े हुए हैं और हम सच्चाई के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम सच्चाई के ऊपर चल रहे हैं, हम हमारे अपने बुजुर्गों लीडरान के बताए हुए रास्ते के ऊपर चल रहे हैं, हम विकास के नाम पर चल रहे हैं, हम डेवलप के नाम पर चल रहे हैं, हम तालीम के नाम पर चल रहे हैं, हम सनत के नाम पर चल रहे हैं, हम गरीबों के नाम पर चल रहे हैं, हम अमीरों के नाम पर चल रहे हैं, हम हमारी मां बहनों के बताए हुए रास्तों पर चल रहे हैं और इसके लिए ये शहर हमें कबूल कर रहा है। और हमारे मुखालिफ लोग सिर्फ झूठ का सहारा लेकर चल रहे हैं, सिर्फ झूठ का सहारा लेकर चल रहे हैं, आवाम को गुमराह कर रहे हैं, आवाम को धोखा दे रहे हैं, शहर को धोखा दे रहे हैं। ये लड़ाई सच की और झूठ की होने जा रही है दोस्तों। एक तरफ हमारा सच है, दूसरी तरफ उन लोगों का झूठ है और शहर की आवाम फैसला करेगी। आज हम नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल यहां कर लेंगे, इंशाअल्लाह आज से हमारा असल इम्तिहान शुरू हो रहा है, सब वर्करों का, सब हम लोगों का, सब कार्यकर्ताओं का असल इम्तिहान शुरू हो रहा है। मैं आपको यह बोलना चाहता हूं, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि फील्ड संभाल लीजिए, अपनी अपनी गली को संभाल लीजिए, अपने अपने वार्ड को संभाल लीजिए, अपने अपने मोहल्ले को संभाल लीजिए, अपने अपने घर को संभाल लीजिए और आज से यहां से जाकर हम लोगों को फील्ड मजबूत करने का काम करना है। हम लोगों को वो
वोटर स्लिप बचना चाहिए, आवाम तक पहुंचना चाहिए। टेबल वार्ड वार्ड में लगाकर याद ही रखो, शादी स्लिप क्यों ना हो मंगवाकर आप लोग अभी से आवाम को देने की शुरुआत करो। और फील्ड संभाल कर, ये फील्ड मैं इसके लिए नहीं बोल रहा हूं कि मुझे छून कर आना है या मेरे जाति मुफाद के लिए नहीं बोल रहा हूं, बल्कि ये शहर को बचा लो, मैं बार बार बोल रहा हूं। ये शहर के इतिहास को बचा लो, ये शहर की सनत को बचा लो, इस शहर के गरीबों को बचा लो, इस शहर के मजदूरों को बचा लो, इस शहर के छोटा मोटा धंधा करने वालों को बचा लो। कुछ लोग बर्बाद करना चाहते हैं शहर को। ये शहर एक बहुत खूबसूरत गुलदस्ता है दोस्तों। ये शहर के अंदर अलग अलग तरह तरह के फूल लगे हुए है, तरह तरह के लोग है, रोजगार हमें ये शहर देता है, हमारा पेट भरता है, हमारे लोग यहाँ पर पुरसुकून से जिंदगी गुजर बसर करते हैं। इसके लिए आप लोग फील्ड संभाल कर ये शहर को बचाने के लिए आपको कुर्बानियां देनी होगी। कुर्बानी हम भी दे रहे, आप भी दो, और हम ये शहर को बचा कर रहेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने बताए हुए रास्तों पर, हमारे उलमाओं ने बताए हुए रास्ते के ऊपर हमारे बुजुर्गों ने शहर को बहुत बनाया है, बहुत मेहनत की है, बहुत अपनी कुर्बानियां दी है, और उसके बाद जाकर ये शहर खड़ा हुआ है। लेकिन कुछ लोग सिर्फ एक कुर्सी हासिल करने के लिए ये शहर को बर्बाद करना चाहते हैं। ऐसे मुफाद परस्तों से हमारा मुकाबला है। ये अपनी जाति मुफाद के लिए, अपने वजूद बचाने के लिए, अपनी सियासी दुकान को बचाने के लिए ये लोग आज हमारा मुकाबला कर रहे हैं, और हम शहर बचाने के लिए निकले हैं दोस्तों। ये अपनी जाति मुफाद के लिए और हम शहर बचाने के लिए निकले। ये शहर को बचाने की जिम्मेदारी आप लोगों पर है दोस्तों। मैं आपसे अपील करूंगा, दोस्तों और साथियों, आपने देखा कि दो रोज पहले, आप लोगों ने देखा कि दो रोज पहले शामनामा के अंदर एक खबर छपी मौलाना गुलजार आजमी साहब की। खबर को आप पढ़िए, और आज तो एक रेडियो, एक टीवी चैनल को मौलाना गुलजार आजमी साहब ने इंटरव्यू दिया है, आज वो अपने व्हाट्सएप के ऊपर पढ़िए, जरूर वायरल हो रही है वीडियो। उन्होंने ये कहा कि जब भी मालेगांव के एमएलए शेख आसिफ को हमने जमीयतुल उलमा के दफ्तर में बुलाया, वो बंदा हाजिर रहा, और जो जो काम उसको सौंपा गया कौम का, मिल्लत का, लड़ने के लिए असेंबली के अंदर जब जब उसने लड़ा है, इसके लिए उन्होंने कहा कि मैंने जाति तौर पर उसको हिमायत दी, और शेख आसिफ की जरूरत दोबारा असेंबली के अंदर। उन्होंने ये कहा, जो वीडियो है उसके अंदर देखिए, कि साबिक एमएलए मुफ्ती इस्माइल साहब को उन्होंने कई मर्तबा 5 साल एमएलए रहते हुए जमीयतुल उलमा के दफ्तर पे बुलाया, जबकि वो उसी जमीयत के सदर है मालेगांव के। वो 5 साल जमीयत के दफ्तर पे गए नहीं, और जमीयत की बातों ने जो डिमांड जमीयत रखती थी, बोलती थी कौम मिल्लत के लिए आप लड़ो, तो वो गए भी नहीं, और ना उन्होंने लड़ने का काम किया, ऐसा गुलजार आजमी साहब कह रहे। और गुलजार आजमी साहब ने यह भी कहा कि ये महाराष्ट्र के लिए, मुसलमानों के लिए एमआईएम पार्टी मुफाद में नहीं है, जबकि नुकसानदेह एमआईएम पार्टी है। उन्होंने ये बात भी कही है दोस्तों। मौलाना ने यह भी कहा कि 2001 का जब फसाद हुआ मालेगांव में, पाटिल कमीशन की रिपोर्ट के लिए सरकार ने टेबल नहीं किया, असेंबली में डिक्लेयर नहीं किया। मौलाना ने और जमीयत ने मुझको बुला के कहा कि पाटिल कमीशन की आपको आवाज उठाना है। दोस्तों, जमीयत के हुक्म पर मैंने असेंबली के अंदर पाटिल कमीशन के लिए आवाज उठाने का काम किया। मैंने धुलिया के फसाद की कमीशन की रिपोर्ट को उठाने का काम किया। ये मौलाना के जुमले हैं दोस्तों। अब आप मुझे बताओ कि कैसा सबूत इस शहर की आवाम को चाहिए
कैसा मैं सर्टिफिकेट ला कर दू इस शहर की आवाम को कि मैंने शहर के लिए, कौम के लिए, महाराष्ट्र के लिए नुमाइंदगी की है। दोस्तों अभी तो ये सिर्फ टेलर है, अभी तो 3 घंटे की पूरी फिल्म बाकी है। अभी महाराष्ट्र से बहुत लोगों की मैंने फोन भी आ रहे और हिमायत की मुझे बात भी करेंगे, तुझको हिमायत देना, तेरे लिए इलेक्शन लड़ने आना है। यह आपके लिए बड़े फख्र की बात है, ये शहर के लिए बड़े फख्र की बात है कि आपने ऐसा नुमाइंदा, ऐसा आपके भाई को असेंबली के अंदर भेजा कि उसने आपका सर ऊंचा करने का काम महाराष्ट्र घर के अंदर किया है। दोस्तों मैंने सुना अभी वीडियो कुछ वायरल होने वाली है कि कल मैं उनको बहुत एहतराम की नजर से देखता हूँ, अवेसी साहब को, उन्होंने मैं सुना हूँ कि कल औरंगाबाद में मेरी भी तारीफ कर दी। बोलते कल औरंगाबाद के जलसे में उन्होंने तकरीर करते करते शायद मेरी भी तारीफ कर दी, ऐसा मैंने सुना है। अब मुस्तकबिल बहुत अच्छा लग रहा है, यकीन जानो जो जिम्मेदारी इंशाल्लाह आप 21 तारीख को देंगे तो जरूर मालेगांव शहर इस महाराष्ट्र के मुसलमानों की नुमाइंदगी करेगा। दोस्तों ये मैं नहीं करूंगा, ये शहर आप लोग करने वाले हैं और हमने इस शहर को भाईचारा, इत्तेहाद, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद हम लोगों को बरकरार रखना हमारे सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर रोजगार चाहिए, ये शहर को बचाना है, हमें अच्छा डेवलप चाहिए, हमें बच्चों को तालीम चाहिए, हमें अच्छी सहूलतें चाहिए, हमें विकास चाहिए, हमें डेवलपमेंट चाहिए, इसके लिए हमको इस शहर को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी।